नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6, 7 और 8 नवंबर के आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरीके करें। तो आइए दोस्तों, से इस साल बात करते हैं यशोमय ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर राशि में आपको सावधान रहने होंगे और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होगा। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो के अंत में बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिन्हें आप करके इन दिनों को और भी ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं, जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, 6 नवंबर की बात करें तो दोस्तों इस दिन शनिवार का दिन रहेगा, शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि रहेगी और दोस्तों अनुराधा नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो शोभा नाम का शुभ योग और अतिगंड नाम का 2 शुभ योग रहेंगे। राहु काल के समय सुबह के 9:24 लेकर सुबह के 10:47 रहेगा। दोस्तों, ध्यान रहे आप यह राहु काल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। वही दोस्तों, अगले दिन की बात करें तो दोस्तों रविवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और शुक्रमा नाम का शुभ योग रहेगा। राहु काल के समय शाम के 4:18 से लेकर शाम के 5:41 रहेगा और चंद्रमा इस दिन वृश्चिक उपरांत धनु में संचार कर जाएंगे। वही दोस्तों, आखिरी दिन 8 नवंबर यानी सोमवार की बात करें तो दोस्तों इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, मूल नाम का नक्षत्र और इस दिन धृति नामक शुभ योग रहेंगे। वही दोस्तों, राहु काल के समय दिन सुबह के 8:02 से लेकर सुबह के 9:25 रहेगा और चंद्रमा इस दिन धनु राशि पर ही संचार करेंगे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं तीनों की जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का ये जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों, यह समय भाग्य उन्नति के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। किसी तरह का पहले से अगर कोई विवाद है तो दोस्तों इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे उसका समाधान हो सकता है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ने से आपको यह समय मानसिक शांति मिल सकती है। आर्थिक दृष्टि से यह जो समय है अनुकूल हो सकता है। पारिवारिक स्थितियाँ यश में सामान्यतः अच्छी हो सकती है। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो फिजूल की जो दिखावेबाजी है इनसे आप यश में दूर रहें। बंधु वर्ग से मतभेद होने की संभावना है। कोर्ट और कानूनी मामलों में आप यश में उलझ सकते हैं। न्यायालयीन कार्यों में उलझनों का आपको यश में सामना करना पड़ सकता है। आलस्य और निराशा में इन दिनों में वृद्धि होगी। नौकरी में काम का दबाव बना रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपके लिए जो समय होंगे उन लोगों से कुछ खास रहने वाला समय होगा जो अपने कार्य क्षेत्र से अलग अपने लिए आय का कोई दूसरा जो है साधन खड़ा करना चाहते हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ मामलों में आपको लोगों से जो है नई तरह की सलाह या फिर कोई क्रिएटिव प्लानिंग मिल सकती है। आपको अपने रिश्तों के प्रति जो समय होगा समर्पित होने वाला समय होगा। रिश्तों में इन दिनों में प्रगाढ़ता आएंगी। नए मित्र भी आपके जो है यश में बन सकते हैं। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपके करियर के मामले में आप कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं। दोस्तों, यश में आय में वृद्धि होने से आर्थिक कष्ट दूर होंगे। वाहन एवं वस्त्र आभूषणों की खरीदारी आप कर सकते हैं। घर की साज सजावट में भी आप विशेष ध्यान देंगे। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। वहीं दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके लिए जो समय होंगे इन दिनों में इस दौरान आप एक दूसरे को कोई अच्छा तोहफा भी देंगे। यदि आप विवाहित हैं तो दोस्तों अपने रिश्तों में जो है जीवन साथी को महत्व देना आपके रिश्तों को खुशनुमा बनाएगा। स्वयं से पहले अपने जीवन साथी को सुने और समझें। दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे इन दिनों में कुछ लोगों के मन में किसी पुराने जो परिचित अथवा दोस्त के प्रति आकर्षण का भाव रह सकता है। वही दोस्तों, इन दिनों में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो आपको गले में खराश या फिर किसी इन्फेक्शन की जो है समस्या इन दिनों में हो सकती है। ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में
खांसी, जुखाम, बुखार आदि का आपको जो है सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय रहते अगर आप उपचार कर लेते हैं तो दोस्तों यह समस्या काफ़ी हद तक जो है समाप्त हो जाएंगी। वही दोस्तों इन दिनों में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा नीला और भाग्यशाली अंक रहेगा एक। दोस्तों इन दिनों में गणेश जी आपको खर्च पर नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि यश में आप आवश्यकता से अधिक खर्च करेंगे। विदेश के साथ के जो संपर्क है लाभदायक और परिणाम लक्ष्य साबित होंगे। गणेश जी आपको हमेशा आशावादी रहने के लिए कहते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी वित्तीय स्थिति यानी धन को लेकर बात करें तो आपके सभी विषयों को संतुलित करने में आप विश्वास रखते हैं, लेकिन ये जो समय होंगे आप ऑफिस के कुछ गलत जो है कहकर इस संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। आपके प्रोफेशनलिज्म पर सवाल खड़ा हो सकता है। गणेश जी कहते हैं कि ये सुनिश्चित करें कि आपके और आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके बीच कोई विवाद नहीं हो। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में आपके पारिवारिक जीवन के लिए, दोस्तों आप बहुत ही अच्छे और चंचल मूड में हो सकते हैं। आप बेबाक और साथी भावनात्मक हो सकते हैं। आपके साथी शुरुआत में आपके इस व्यवहार से भ्रमित हो सकता है, लेकिन वो बाद में आपके साथ बेहतर तरीके से संबंधित हो सकती है। एक मधुर और सामंजस्यपूर्ण रिश्ते को बनाए रखने के लिए गणेश जी आपको अपने जीवन साथी पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों इनमें गणेश जी आपको चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आपको ये जो समय होंगे अपने खर्चों पर नियंत्रित करने की जरूरत होगी। हालांकि घरों की स्थिति ऐसी है कि खर्चों को नियंत्रित करना आपके लिए जो है काफ़ी मुश्किल लगेगा, लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति हमेशा के लिए नहीं है, ये समय की मांग है। वहीं दोस्तों इन दिनों में इस वक्त जो आपके लिए समय होंगे इन दिनों में ऑफिस में कई सारे काम करने के लिए आप तैयार रहेंगे। आप जो है आसानी से और तेज़ी से अपने कार्यों को जो है पूरा करेंगे। इन दिनों के शाम तक आपका जो कार्य है करते करते आप थक सकते हैं, और वहीं दोस्तों आपका स्वास्थ्य जो है इसमें औसत रहेगा। गणेश जी के अनुसार आप जो है अपने दोस्तों के साथ कुछ समय इन दिनों में बिता सकते हैं। वहीं दोस्तों इन दिनों में खाते पीते वक्त आप सावधान रहें, लापरवाही बीमारी की वजह बन सकती है। आर्थिक तौर पर सुधार तय है। दोस्तों एक पारिवारिक आयोजन में आप जो है सभी के ध्यान का आप केंद्र रहेंगे। वहीं दोस्तों इन दिनों में रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम जो है असर नहीं दिखाएंगे। कार्य क्षेत्र के किसी काम में खराबी की वजह से ये जो समय है आप परेशान रह सकते हैं। इस बारे में सोचकर आप जो है अपना कीमती वक्त बर्बाद कर सकते हैं। वहीं दोस्तों पड़ोसियों का जो दखल है शादीशुदा जिंदगी में जो है दिक्कत पैदा कर सकती है, लेकिन दोस्तों आप और आपके जीवन साथी के बीच का जो बंधन है वह मजबूत है और इसे तोड़ना आसान नहीं है। सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुजारना न केवल समय की बर्बादी होगी बल्कि सेहत के लिहाज से भी यह अच्छा नहीं होगा। वहीं दोस्तों इन दिनों में किसी भिखारी व फिर अपंग व्यक्तियों को खाना दें, इससे दोस्तों आपकी हेल्थ जो है अच्छी रहेगी। दोस्तों यश में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए? दोस्तों आपको बता दें कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बनाए रखने के लिए नियमित रूप से केले व फिर पीपल के वृक्ष की सेवा जरूर करें। गुरुवार को केले व फिर पीपल दोनों के वृक्षों को जल अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, और शनिवार को पीपल में सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं एवं मीठा जल अर्पित करें। दोस्तों ये उपाय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन इससे बहुत ही अच्छा रहेगा, प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों दाम्पत्य जीवन में निरंतर प्रेम बनाए रखने के लिए पत्नी अपने पति द्वारा भोजन करने के बाद उसके बचे हुए भोजन में से कुछ निवाला अवश्य खाएं, किंतु अपने बचे भोजन में से उन्हें न खाने दें। ऐसा करने से पति हमेशा अपनी पत्नी से प्रेम करता रहेगा और कभी भी किसी स्त्री की ओर आकर्षित नहीं होगा। दोस्तों ऐसा कम से कम सप्ताह में एक बार आप अवश्य करें। तो दोस्तों इन उपायों को यश में जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। और साथ ही दोस्तों और ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।